हमारे देश में जब जब स्वतंत्रता दिवस का जिक्र हो तब तब हापुड़ का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल 1857 में जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मंगल पांडे के आह्वान पर हुए गदर में हापुड़ के स्वतंत्रता प्रेमियों को फांसी पर लटका दिया गया था। मेरठ की अंग्रेज छावनी में हिंदुस्तानी सैनिकों को गौ मांस लगे कारतूस दिए गए थे तो अमर शहीद मंगल पांडे ने गदर कर दिया था, जिसके चलते पूरे देश में गदर की चिंगारी सुलग उठी। इसमें हापुड़ के जोशीले युवाओं ने भी मंगल पांडे का साथ देने का निर्णय लिया। धौलाना और पिलखुआ के साथ ही हापुड़ के लोगों ने भी गदर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस पर अंग्रेज स्वतंत्रता के दीवानों को मौत के घाट उतारने लगे। उनके हाथ धौलाना के जाबाज भी पड़ गए, जिसके चलते उन्हें सजा देने के साथ ही हापुड़ के लोगों में दहशत पैदा करने के लिए 10 मई 1857 में हापुड़ के रामलीला मैदान के बाहर खड़े पीपल के पेड़ पर कुछ लोगों को फांसी चढ़ा दी गई। ये पीपल का पेड़ आज भी आजादी के दीवानों की याद दिलाता है। जानकारों के मुताबिक इस पीपल के पेड़ पर दो सगे भाइयों को अंग्रेजों ने फांसी दी थी और फांसी के दौरान रस्सी टूटने से दोनों ही भाई नीचे गिरकर बच गए। उसके बाद अंग्रेजों ने बर्बरता दिखाते हुए दोनों भाइयों को गोलियों से भून डाला था। जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन था उससे लेके अंतिम स्वतंत्रता की लड़ाई तक हापुड़ के लोगों ने, हापुड़ के नौजवानों ने, हापुड़ के वीर सपूतों ने बढ़ चढ़ के उस आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया है और उसमें कुर्बानी दी है। पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चला, जिसको आज आप देख रहे हैं, जहां आप हैं, ये स्मारक बनाया हुआ है, ये बराबर में पीपल का पेड़ है। उस समय हापुड़ के में 4 लोगों को अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। एक चौधरी जबरदस्त खान थे, एक उनके भाई चौधरी अहमदुल्ला थे। उनको दोनों ने आंदोलन में जब अंग्रेजों ने उनको फांसी की सजा दी तो वो इतने ताकतवर थे, जब इस पेड़ पर लटकाया गया तो जिस रस्से से लटकाया गया था वो रस्सा टूट गया था। उनको टूटने के बाद नियम ये होता था कि अगर किसी को फांसी की सज़ा दी जाए और वो फांसी की सज़ा पर लटकाने के बाद में ज़िंदा रह जाए तो उसको छोड़ दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उन लोगों से इतना भयभीत थी, उनको फंदा टूटने के बाद जीवित बच जाने के बाद भी उनको गोली मार के उनकी हत्या करने का काम अंग्रेजों ने किया था। आज पूरे देश में, हापुड़ी नहीं, पूरे देश में एकमात्र ये स्थान है जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ शहीदों की याद में पूरे 1 महीने का मेला लगाया जाता है, जिससे और उसमें रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से, तरह तरह के विभिन्न आयोजनों के माध्यम से आने वाली हमारे देश की पीढ़ी को हम लोग ये देश के शहीदों के बारे में उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको अवगत कराने का काम करते हैं। जहाँ तक आज़ादी का विषय है तो ये आज़ादी का विषय जिसके हम हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेने के बाद से कर्जदार हो जाता है, हम उन वीर सपूतों के कर्जदार हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को नौछावर करने का काम किया। उन्हीं की बदौलत है कि आज हम खड़े होकर अपने सम्मान के साथ अपने देश में रहने और जीने का काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं आसपास के क्षेत्रों का जो माहौल बिगड़ा हुआ है, अभी आप देखो बड़े लेटेस्ट इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन हापुड़ और हापुड़ का जो हमारा देश है, हिंदुस्तान में जो आपसी भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, सब एक दूसरे के लिए समर्पित रहता है, ये जो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, इसी संस्कृति के तहत जब अंग्रेजों से हमारा युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन चल रहा था, उस समय मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का रहा हो, चाहे किसी भी बिरादरी का रहा हो, चाहे किसी भी धर्म का रहा हो, उसने अपनी जाति, अपनी बिरादरी, अपने धर्म को छोड़कर देश की एकता के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया था। मुझे गर्व है, मैं हापुड़ की उस ज़मीन पर पैदा हुआ हूँ, उस ज़मीन पर खड़ा हूँ जिस जमीन पर मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमसे पहले वाली पीढ़ी है, उन्होंने अपने प्राण इस देश की आज़ादी में न्यौछावर करने का काम किया है। इस पीपल के पेड़ के पास शहीद स्मारक बनाया गया है। क्रांतिकारी ततिया टोपे प्रतिमा भी लगाई गई है, लेकिन ये स्मारक और पीपल का पेड़ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि शहीद स्मारक के सामने अवैध दुकान लगा दी गई है। शहीद स्मारक के फाउंडेशन में दरारें आ गई है। आजादी की लड़ाई के ये निशान अब पहचान खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं हापुड़ के शहीदों के लिए पहले तो आप सभी का शुक्रिया गुजार अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों का ध्यान हमारे शहीद स्मारकों की तरफ जा रहा है। किसी भी देश का या फिर किसी भी जो सिटी का जो शहीद स्मारक होता है, उस देश की या उस सिटी की अपनी एक पहचान होती है,
यहाँ पर किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोग अपनी बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं और अपने उन सब अमर शहीद जो जवानों को याद करते हैं जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की बलिदान को, सर्वोच्च बलिदान नौछावर कर दिया। और मैं एक सूबेदार राजेंद्र सिंह, मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते आप सभी से और इस हापुड़ के सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो शहीद स्मारक है, जो हमारे हापुड़ की एक पहचान है, इसका जो जीर्णोद्धार करके और ये बहुत ही अच्छे दर्जे का बनाया जाए। पेड़ की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये पेड़ है, इसी पेड़ के ऊपर, पीपल के पेड़ के ऊपर यहाँ अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। और फांसी देने के दौरान जो दो सगे भाई थे उनका रस्सा टूट गया, क्योंकि वो रस्सा टूटने की वजह से जब वो ज़मीन पर गिरे तो उनको गोली मारी गई। अब इस शहीद स्थल की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो आने वाली पीढ़ी को ये बात बताने के लिए किसी तरीके का कोई बोर्ड या कोई चीज़ नहीं लगी हुई है। इसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं, यहाँ ज़मीन पर किस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है। राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए ऐसे शहीद स्मारकों को जो हैं वो कहीं ना कहीं बदहाली का आलम जरूर झेल रहे हैं। लेकिन अभी की तस्वीर आप देखिए किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और इसकी बाहर की तरफ मैं दिखाऊँ तो बाहर जो चारों तरफ है यहाँ पर दुकानें लगा दी गई हैं, यानी कोई चाह कर भी अगर यहाँ पहुँचना चाहे तो उसको काफ़ी समस्या होगी। और इस तरीके की जो दुकानें यहाँ पर लगाई गई हैं ये कहीं ना कहीं बदहाली का आलम है। जो संबंधित अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती है शहीद स्मारक को दुरुस्त रखने की, उसको कहीं ना कहीं अनदेखी उसकी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। ये स्तंभ यहाँ पर बनाया गया है शहीद स्मारक का, जो इस बात को बताता है कि यहाँ पर आज़ादी के दीवानों ने अपनी प्राणों को न्योछावर किया था। इसका ग्राउंड पिलर देखेंगे ये भी पूरी तरीके से यहाँ पर टूटता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जबकि तमाम तरीके की बातें शहीदों को लेकर कही जाती हैं। और देश को आज़ाद कराने के लिए देश के शहीदों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अब उनके स्मारक जो हैं उनकी दशा देख लीजिए आप किस तरीके की दशा यहाँ पर है। हापुड़ में आज़ादी की जो मशाल 1857 में रोशन हुई थी वो आज़ादी तक थमी नहीं थी। इसके चलते जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था तो महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। हापुड़ के जाबाजों ने भी इसमें अपनी आहुति दी और 11 अगस्त 1942 को शहर में विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस अतरपुरा चौराहे पर पहुंचा तो पुलिस ने उसमें शामिल लोगों पर लाठी बरसानी शुरू कर दी, जिसमें कई जाबाजों को चोट भी आई, लेकिन जुलूस टाउन हॉल पर तिरंगा बुलंद करने के लिए आगे बढ़ता गया। इसके चलते पुलिस बौखला गई और उसने आजादी के मतवालों पर गोली चला दी, जिसके चलते अंगनलाल शर्मा, लाला मांगे लाल, राम स्वरूप जाटव, गिरधारी लाल ठठेरे शहीद हो गए। इनके शहीद होने और दर्जनों लोगों के घायल होने के बावजूद बाकी लोगों का जज्बा कम नहीं हुआ। बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी लाला सेवाराम ने तिरंगे को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। इस जंग में शहीद हुए मतवालों की याद में अतरपुरा चौपला पर शहीद स्मारक बनाया गया, जो आज भी उनकी शहादत को नमन करता है। वह स्मारक के पीछे पुलिस चौकी पर आज भी अंग्रेजों की गोलियों के निशान बाकी हैं, जो आज की पीढ़ी को अपने देश पर मर मिटने वाले अपने पूर्वजों की शहादत याद दिलाती है। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए शुरू हुई लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन की पटकथा की अगर बात की जाए तो उससे हापुड़ भी अछूता नहीं है। हापुड़ जिले से जो लोग थे यहाँ के इकट्ठा हुए और अंग्रेजों को भारत छोड़ने का नारा देते हुए, जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहीं पर अतरपुरा चौराहा गोल मार्केट है, मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये स्मारक है। उन शहीदों के नाम यहाँ पर आपको लिखे हुए दिखाई देंगे जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। जब इस अतरपुरे चौराहे पर तमाम शहर के और अलग अलग इलाकों के लोग टाउन हॉल जाने के लिए निकले थे तो अंग्रेजों ने फायरिंग की और फायरिंग में इन चारों लोगों की जान चली गई। 11 अगस्त को यहाँ पर 1942 में फायरिंग अंग्रेजों द्वारा की गई थी और 9 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जब गांधी जी ने नारा दिया कि भारत छोड़ो का नारा दिया। उसके बाद अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके की क्रांतिवीर सड़कों पर निकले। उस वक्त की बात की जाए तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट नहीं था। मेरठ मंडल में तमाम इलाकों में, मेरठ की बात कर ले, मेरठ में भी इसी तरीके से जो आज़ादी के परवान
पुराने हैं वो निकले थे। और इस इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ जो पुरानी इमारतें हैं उन पर गोलियों के निशान काफ़ी दिनों बाद भी रहे। हमारे साथ संघर्ष जो समिति है यहाँ पर उनके सदस्य भी मौजूद हैं, अध्यक्ष भी हैं आप, इसके महामंत्री भी हैं, तो किस तरीके की यहाँ पर आज़ादी को लेकर क्या यादें हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं? देखिए, अब की नई जो पीढ़ी हमारी आ रही है उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि आज़ादी के बारे में कुछ बता सकें। मेरे जन्म से पहली बात है, 11 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में हापुड़ भी शरीक रहा और यहाँ के प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी रहे वो बाबू सरजू प्रसाद जी, लीलाधर शर्मा विशारद, कैलाश चंद मित्तल, अमोलक चंद मित्तल और ऐसे बहुत सारे सेनानी हापुड़ में रहे जिन्होंने नगर के विभिन्न स्थानों से एक जुलूस निकाला और उस जुलूस को अतरपुरा चौराहों पर इकट्ठा होकर यहाँ के टाउन हॉल इमारत पर तिरंगा झंडा फहराना था, ये उनका उद्देश्य था। जब यहाँ शाम को करीब 4 बजे 11 अगस्त 1942 को 4 बजे के शाम यहाँ पुलिस ने गोली चलाई और उसमें 4 लोग जो विभिन्न बिरादरियों के थे, आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हर बिरादरी लड़ी, हर कौम लड़ी। यहाँ मांगेराम शर्मा, रामस्वरूप जाटव, अंगनलाल वैश्य और गिरधारी लाल ठठेरे यहाँ शहीद हुए पुलिस गोली से और एक व्यक्ति जिनका नाम सेवाराम था उनके जवाड़े में गोली लगी, उनका जवाड़ा निकल गया, उसके बावजूद भी उन्होंने तिरंगा नहीं छोड़ा और उस तिरंगे को उन्होंने टाउन हॉल पर फहराया। लेकिन आज वो एक गुमनामी की ज़िंदगी में वो जीते रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई और आज उनका परिवार भी हापुड़ में नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनके परिवार को नहीं खोज पा रहे हैं। ये जो आप पीछे मेरे इमारत देख रहे हैं ये शहीद में 1942 शहीद स्मारक समिति की ही इमारत है जिसमें पुलिस चौकी मौजूद है और हमारी कोशिश है कि इसको खाली कराकर इसमें एक शहीद भवन बनाया जाए जिसमें हम आगे आने वाली पीढ़ियों को वो मैसेज दे सकें, वो बता सकें कि किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में हापुड़ का योगदान रहा है। आज़ादी से पहले हापुड़ पश्चिम के आंदोलन रणनीति का बड़ा केंद्र हुआ करता था। इस दौरान नगरपालिका हापुड़ के टाउन हॉल में क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकें हुआ करती थी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। 1942 की अगस्त क्रांति आंदोलन की लड़ाई में विशेष रही थी। दरअसल 1857 से लोगों में सुलगी ज्वाला आज़ादी मिलने तक सुलगती रही। साल 1947 से पहले कुछ सालों में आज़ादी की ज्वाला लावा बन चुकी है। यहाँ के लोगों ने आज़ादी की इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और जंग आज़ादी में अपनी आहुति दी थी। हापुड़ क्षेत्र उस समय पश्चिम की जंग का विशेष केंद्र था। उस समय नगरपालिका का टाउन हॉल क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकों का स्थल हुआ करता था। यहाँ रात के अंधेरों में अंग्रेजों से छिपकर बैठकें हुआ करती थी। यहाँ बनने वाली रणनीतियों के कारण ही 1947 में देश आजाद हो सका। अंग्रेजों के जमाने के बने टाउन हॉल में अब यहाँ की नगर पालिका का दफ्तर का संचालन होता है और यहाँ के पार्क में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। मेरे पीछे आप देखेंगे ये शहीद स्तंभ यहाँ पर बनाया गया है। इसी मैदान में मीटिंग भी की गई थी अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के साथ में और यहाँ पर तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो हापुड़ के अलग अलग इलाकों में रहे और हापुड़ के तमाम जो लोग थे वो इस टाउन हॉल जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ बिल्डिंग भी मैं आपको दिखाऊँगा, पुरानी जो आप इमारत देख रहे हैं ये अंग्रेजों के समय की बनाई हुई इमारत है। अब इसमें नगर पालिका का दफ्तर चलता है। टाउन हॉल के नाम से ये जगह फेमस हुआ करती थी और यहाँ पर अंग्रेजों के जो बड़े अधिकारी थे वो बैठते थे और इस पूरे इलाके में उनकी हुकूमत चला करती थी। एक और इमारत मैं आपको दिखाऊं, ये मेन इमारत है जहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी, इस इलाके की बात की जाए तो हापुड़ उस वक्त मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आया करता था और एक तहसील के तौर पर ये कस्बा था और यहाँ पर इसके आसपास के जितने गाँव या शहर के इलाके हैं इस हेड ऑफिस में बैठ कर टाउन हॉल के नाम से इसी यही हेड ऑफिस था और यहीं पर बैठ कर अंग्रेज अपनी हुकूमत चलाया करते थे। यहीं पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए आज़ादी के तमाम जो मतवाले हैं वो निकले और इसी के पास में अतरपुरा चौराहे पर यहाँ इकट्ठा हुए और उनके ऊपर फायरिंग की गई जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, उसमें 4 लोग शहीद हुए। उसके अलावा एक व्यक्ति के जो चेहरा है उसमें गोली लगी थी, उनके जबड़े में गोली लगी थी। इस तरीके की जो जानकारी है वो यहाँ के स्थानीय लोग या जो पुराने पत्रकार हैं वो इस तरीके की जानकारी देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कई जो शहीद स्मारक हैं वो अभी बदहाली के
आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी की बात की जाए तो ऐसे दिनों में ज़रूर रंग रोगन और पुताई वहाँ पर की जाती है, झंडे फहराए जाते हैं, कली डाली जाती है, लेकिन आम दिनों में अगर बात की जाए तो तमाम जो शहीद स्मारक हैं वो बदहाली के आंसू बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार और स्थानीय अधिकारी कब तक उन स्मारकों को दुरुस्त कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट।